एक मिनट में अपनी बात करें, एक मिनट में सर इतना ही कह सकता हूं कि टेररिज्म को मिटाने में हम आपके साथ में, सरकार के साथ में है, पूरा मुल्क आपके साथ में है। इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो ऐसा कोई करता है तो वो खुद देशद्रोही है। लेकिन आजकल छोटे छोटे मामलों में देशद्रोही बना दिया जाता है, पाकिस्तानी बना दिया जाता है, ये भी इंसाफ के खिलाफ है। छोटा मोटा आज ये मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बड़े अदब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा इसको कंट्रोल करें। और लोगों को जो सजा आप दे रहे हैं सर, आज अमेरिका में भी लंदन में भी इतने दिनों की सजा नहीं है, और जो सजा देते हैं वो तो पता नहीं कहां चले जाते हैं 20-25 साल में, लेकिन लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। वो फिर जेल से आने के बाद सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। उसके जब पकड़ा जाता है तो अखबारों में, बड़े बड़े टेलीविजन में कई कई दिन तक वो चलते रहते हैं कि आतंकवाद पकड़े गए। लेकिन सर इसीलिए हमारा कहना है कि इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और ये जो छोड़े जाते हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने सबकी बात पूरे टाइम बैठ कर सदन में सुनी है, पूरा टाइम लंच करने भी नहीं गए हैं, इसलिए आप एक एक चीज का जवाब। माननीय गृह मंत्री जी से इंसाफ का इंतजार। सभापति महोदय, मैं